So there are some other uh, activities that can produce leadership qualities in our students. Uh, one of them is organization and uh, avoid spoon feeding, mentoring, reading, and reward optimism. So we have to give organizational training, which will be helpful to clear kids' thoughts as a leader. They school have organization, just cover. मतलब बच्चे की कामयाबियाँ स्कूल की कामयाबियाँ और स्कूल की कामयाबियाँ बच्चे की कामयाबियाँ हैं तो उसको एक बिलोंगिंगनेस का जो इजहार जो एक एहसास है वो हमें देना है कि भाई ये स्कूल आपका है और ये स्कूल साफ़ दिखेगा तो सारे खुश होंगे अगर स्कूल की चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे अच्छा पढ़ेंगे और आप एक अच्छी सी तकरीर करेंगे या आप अच्छी सी नज़म पढ़ेंगे तो सब लोग आपके स्कूल की भी तारीफ़ करेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का रूल स्कूल का रूल रोल जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे उसके अंदर अपने आप को उसका एक हिस्सा समझते हुए बिलोंगिंगनेस का एहसास रखते हुए चीज़ों को परफॉर्म करेंगे सो लेटर चाइल्ड लर्न बाय हिमसेल्फ एंड सोल्व प्रॉब्लम्स थ्रू हिज वर्किंग अब बच्चे जो हैं उनके साथ छोटे छोटे डलमास जो है वो आपको पेश करना है छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जैसे बहुत छोटे हैं तो उनको ब्लॉक्स के ज़रिए कुछ पीसेज हैं इक्विपमेंट है कुछ टॉयज हैं जिनको अरेंज करके उसको कुछ नया बनाना है उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने की आ, उन, उनको एडवाइस करें या कुछ छोटा सा ऐसा प्रॉब्लम अच्छा ये बड़ा बॉक्स है तो छोटे बॉक्सेस को इनमें किस तरह से एडजस्ट करना है या अगर हमें यहाँ से दूसरे जगह पर कुछ एक आध मीटर के फासले पे कोई चीज़ पहुँचानी है तो हम किस तरह से उसको लेके जाएंगे तो आप कुछ डलमास या कुछ पहेलियाँ जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं कुछ इस तरह की चीज़ें पेश करें जिससे बच्चों को सोचने समझने का और लॉजिकली चीज़ों को देखने का मौका मिले कि कौन कौन से ऐसे अनासर हैं जिनकी मदद से कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है तो आप उनको कहीं बाहर कहीं ले जाते हैं या घर के अंदर तो कोई ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस कर सकते हैं मसलन आप उनको टेबल के ऊपर पड़े हुए बर्तन इस तरह से उठाने को कह सकते हैं कि वो कोई मैस मचाए बगैर कैसे उनको उठा सकते हैं फिर ये कि मुख्त चीज़ों को किस तरह से अरेंज करना है प्लेटों को एक साथ ग्लास को एक साथ या स्पूनस को उनके साइज़ के मुताबिक कैटेगराइज कैसे करना है बााहिर ये एक सिंपल एक्टिविटी है लेकिन ये क्लासिफिकेशन है ये एक कैटेगराइजेशन है जो प्याजे कहते हैं कि हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस को ये बड़ा एनहेंस करती है तो हम उनको छोटे चुट छोटे इस तरह के टास्क देंगे जिनके करने के बाद वो सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील करें और साथ में उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ें इफ अ चाइल्ड शोज इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक एरिया और फील्ड देन प्रोवाइड और अरेंज एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया ये भी बड़ी मजे की बात है अगर आपका बच्चा अच्छा लिखना चाहता है या अच्छी पेंटिंग करना चाहता है या अच्छा बोलना चाहता है तो उसको किसी एक्सपर्ट से भी मदद दिलवाई जा सकती है जैसे आ, राइटिंग में अच्छा है तो किसी ख़ात के पास उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग दिलवाएं उसको नए नए असूल सिखाएं अगर वो पेंटिंग का शौकीन है तो जाओ स्केचेस बनाने वाले जो अच्छे माहिर लोग हैं उनसे उसकी सीटिंग करवाएं अब देखिए ना अगर हमारे बच्चों में कोई सलाहियत ऐसी पैदा होगी जो दूसरों से मुख्तफ है या दूसरों से बेहतर है तो क्यों ना उसको और अच्छा किया जाए तो आप अगर ख़ुद एक्सपर्ट नहीं हैं और बीइंग एजुकेट भी अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप अपने स्कूल में ऐसे लोगों को एज ए रिसोर्स पर्सन बुला सकते हैं जो छोटे बच्चों को स्केच बनाना सिखा सकें या अच्छी पेंटिंग के कुछ रूल्स बता सकें या और जो भी उनके इंटरेस्ट होते हैं वहाँ पे जैसे हमने कहा छोटे बच्चों के लिए छोटा सा थिएटर होता है जिसमें वो छोटे छोटे स्केच्स जो हैं वो कर सकते हैं तो उनको किसी इसी तरह के जो उनको Uh, अच्छी अ, अच्छी सुजेशन uh, दे सके इस तरह के एक्सपर्ट्स को बुलाया जा सकता है कि वो उनको स्किट कैसे पेश करना है कैसे खड़ा होना है बात कैसे करनी है थिएट्रिकल स्किल्स उनको हल्की फुल्की सिखाई जा सकती हैं सो so, मतलब कहने का ये है कि अपने बच्चे के पोटेंशियल को uh, ज़ाया मत कीजिए ख्वा आप वालदे में से हैं ख्वा आप एजुकेटर हैं या आप किसी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं कहीं भी किसी भी बच्चे में आपको एक्स्ट्रॉडनरी बात देखते हैं तो फ़ौर उसको एक्सपर्ट से बेहतरीन जो है वो उसकी कोशिश होनी चाहिए कि उसको सिखवाया जाए ताकि वो आगे बढ़ के एक लीडर बन सके सो फॉर अ सक्सेसफुल लीडर क्रिएट अ रीडिंग हैबिट इन अ चाइल्ड देखिए रीडिंग सिर्फ यही नहीं है कि आपको चंद लफ्ज़ सुनने आ जाएंगे या पढ़ने आ जाएंगे उसके अंदर बेशुमार दुनिया के अंदर तखीलात हैं कॉन्सेप्ट हैं जो आपको अच्छाई बुराई के भी मिलते हैं आपको बहुत सी सिचुएशंस मिलती हैं बच्चे उनको सुनते हैं इमेजिन करते हैं उनके सल्यूशनस ढूंढते हैं और फिर उनको हर तरह की बातों का पता चलता है जैसे हमारे पास नेशनल स्टोरीज तो होती हैं इंटरनेशनल स्टोरीज भी होती हैं जो हम बच्चों को अपनी जबान में सुनाते हैं और फिर उनको बताते हैं देखो कोरिया के लोग ये करते हैं जापान के लोग ये करते हैं पाकिस्तान में हमारे बलूचिस्तान के लोग इस तरह से रहते हैं सो उनका एक्सपोजर बढ़ता है तो जितना ज़्यादा आप अपने बच्चों को रीडिंग की आदत डालेंगे और ख़ुद भी उनके साथ रीड आउट करेंगे चीज़ें रीड अलाउड करेंगे तो उनके एक्सपोजर जो है वो बढ़ेंगे सो गिव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म तो हम ये कहते हैं कि एक तो उनको पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के बारे में बताएं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है अच्छाई क्या है बुराई क्या है और फिर आप ऑप्टमिज़म की तरफ उनको गाइड करें कि भाई आपने हमेशा पुरुद रहना है मायूस नहीं होना और छोटी छोटी गलतियों से अपने आप को अपनी सेल्फ एफिकेसी को जाया नहीं कर लेना बल्कि गलतियाँ भी आपका सरमाया है और आपको ये बताती हैं कि आइंदा आने वाली जिंदगी में आपको किन किन चीजों से बचना है